कितना हुआ टोकन का? 5 रुपए। ए क्या रे, वहां देख हमें इशारा कर रहा है। आओ आओ आओ, आओ आने दो, आने दो, आओ बस 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 बस, यहाँ रोको रोको रोको, अब इससे निपटो। चलो गाड़ी संभाल उतारो। ये ड्राइवर इतना लेट क्यों हो गए भाई? ट्रैफिक बहुत था। सब अपनी जान बचाने के लिए यही कहते हैं। भाई मैं गाड़ी का ड्राइवर नहीं हूँ, जरा उधर तो देखो। मैं हूँ पल्लनी और ये बाबू, दोनों ओनर है भाई। अच्छा, ए जल्दी आओ, लोड खाली करना है, जल्दी करो। लोड हम खाली कर देंगे ना भाई। आज तुम खाली करोगे और कल? भाई हमारा पहला दिन, तुम्हारे एक दिन खाली करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगी और बढ़ जाएगी। मालिक हो तो लोड मत उतारो। ए तुम लोग जल्दी करो, चलो खाली करो। ए चलो चलो सामान उठाओ, चलो। 10 गेंदा और 8 मल्ली। अरे जल्दी करो ना। हाँ भाई सुनो। हाँ भाई, वो हमारे पैसे। जल्दी मेरे साथ आओ, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। ये सुनना। हाँ। अच्छा उनसे पूछना कि हमें रोज ऑर्डर मिलेगा? टाइम देख के पूछता हूँ। कैसे हो भाई? नमस्ते नमस्ते। अपना लोड भिजवा दिया? हाँ कब का भिजवा दिया। वैसे वो कौन है यार? कौन है रे यार? हाँ बोलो सेठ जी। ये क्या, सुबह सुबह शहर में 3 राउंड लगाने थे, तुमने क्यों कहा मुझसे नहीं होगा? काम नहीं करना है क्या? हम लोग इस वक्त तेनी में नहीं है, कोयमपेट में लोड उतारने के लिए आए हैं। हाँ कल आपका काम कर दूंगा मैं। hey, मैं तुम्हें एक दिन का समय और दे रहा हूँ, अगर नहीं करोगे तो गाड़ी सीज कर दूंगा। क्यों, क्या बोला वो? कह रहा है ड्यू नहीं दिया तो गाड़ी सीज कर देगा। हमारे पास बस यही प्रॉपर्टी है, हमारी रोजी रोटी इसी के भरोसे है। अपना सेट है यार, खाली बोलता है, करेगा नहीं। क्या भाई, ये तो सिर्फ 5,000 है। ये भाड़ा तुम्हें कम लग रहा है क्या? नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया था, 1,000 रुपए देने पड़े वहाँ पर। वो तुम्हारी समस्या है, ड्यू के लिए 2,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। देख यार हमें दिन रात काम करना पड़ेगा तभी हम सेठ के पैसे चुका पाएंगे। हम कितनी भी मेहनत कर ले यहाँ जो लिखा है वही मिलेगा। 5,000 रुपया लगेगा। क्या 5,000 रुपए? पैसे हराम में आते हैं क्या? उम्र हो गई है, नहीं तो मैं तुझसे अच्छी तरह से निपटता। अरे जा यहाँ से, मुँह सिर्फ जबानी जबान है, तहजीब तमीज तो है नहीं। जरा यहाँ आइए। पता नहीं कहाँ से आ जाता है। भाई मैं ब्रोकर बोल रहा हूँ, मेरे काम का क्या हुआ? वही बात तो हो रही है, तुम्हारे भेजे हुए 4 मजदूरों ने घर में थोड़ा बहुत काम किया है, थोड़े बहुत टाइल्स लगाए हैं और पैसे पूरे 5,000 मांग रहे हैं। पूरे घर का काम करा लिया और पैसे देने में आनाकानी कर रहे हो, वो भी तुम्हें ज्यादा लग रहा क्या? और नहीं तो क्या। ठीक है तुम कोई भी गाड़ी पकड़ के चौराहे पर आ जाओ, मैं वहाँ रुकता हूँ। ठीक है ठीक है, तुमने क्यों बुलाया? हमने सब सुन लिया है, आपको कहाँ जाना है? हाँ क्यों तू पैसा पैसा करके मर रहा है? देख अगर सेठ का ड्यू नहीं भरा तो हमारी गाड़ी सीज कर देगा, इसीलिए सब कुछ कर रहा हूँ मैं। छोटे मैंने सब सुन लिया, चलोगे क्या? 3,000 लगेंगे, जहाँ बोलोगे छोड़ देंगे। छोटे तुमने ठीक से सुना नहीं मैंने क्या कहा, मेरे घर में कुल मिलाकर सिर्फ 1,800 रुपए ही हैं। ऐसा हो सकता है क्या? देखो भाई मैं तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 2,000 दे सकता हूँ, चलोगे क्या? ठीक है एडवांस दे दो पहले। अरे एडवांस क्यों भाई, सामान पहुँचाओगे तब तो पैसे मिलेंगे। अब क्या करें, चलो ठीक है। बस बस यहीं पर रोक दो। अरे अरे है? हम लोगों को निकलना है, जल्दी तैयार हो जाओ। फोन करता हूँ। रुको रुको रुक जा। क्या हुआ? कुंभराजा। सुन छोटे, यही है मेरा घर, अंदर जाओ, अंदर जाओ। आओ गाड़ी घुमा कर जल्दी आना, ऊपर आ जाना, समझ गए? सब पता है। वो गए क्या? सुनो कहाँ हो तुम? जल्दी रिवर्स करने में कितनी देर लगती है, जल्दी बुलाओ ना। गाड़ी संभालना भी जरूरी है ना, मुझे सिखा रहा है। अरे जल्दी करो तुम लोग। हाँ चलो 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 बेटा जल्दी करो। क्या भाई छुपके शादी हो रही है? पक्का अरेंज्ड है। कुंभ राजा जो ऊपर गया है उसे जानते हो क्या? एक नंबर का कंजूस है, इस घर में जो भाड़े वाले रहते हैं उनसे एक एक रुपया वसूलता है। उन्हें 3 साल तक भाड़े पर घर देकर 87 बिजनेस शुरू किया उसने, लेकिन एक भी नहीं चला, समझ जाओ। ए चल अब, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। भाई साहब आईटी कंपनी में 60,000 की नौकरी लगी है मुझे, कंपनी बहुत दूर थी इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। इस वक्त तो हमारे हाथ में कुछ बचा भी नहीं है, बहुत परेशानियों का सामना किया है, आप लोग भी ज्यादा सावधानी से रहना। बेटी, जल्दी ऊपर आ। बहुत प्रॉब्लम में है यार। किस लिए? उस लड़की ने भैया कहा इसलिए? छोड़ चल, वो पटाने की कोशिश कर रही है और तू उसकी बातों में आकर के सेंटी हो रहा है।
वाइब्रेशन वर्कआउट हो रहा है, भाड़ा डूब जाएगा। ए, सर पे जोर का फटका लगा यार। चल, चल, चल अंदर आ। चला जा। ए, अब तू क्या ढूंढ रहा है यार, सब कुछ रखे गाड़ी में डाल। मैं थोड़ा राहत में हो जाऊं ये सोचकर चुप रहा था, तुम लोग तो अलग ही बात कर रहे हो। हेलो, 100-200 बढ़ा कर दे रहा है, बिना चाय पानी के जाओगे तो कैसे चलेगा? मत, ये पलट जाएगा। ये ले पकड़, संभाल, पता नहीं किस जहन्नुम में बुलाएंगे ये। अच्छा वो ये है। हेलो, कौन? अरे मैं हूँ। हाँ कुमार, कल इसी टाइम पर आकर घर से पैसे लेके जाना। अच्छा ठीक है, अभी आप कहाँ हैं? उसी घर में हूँ। तुम रोज 100 लोगों को इस घर का एड्रेस देते हो, वो लोग हमारी जान खाते हैं, तुम उसे कल क्यों बुला रहे हो? भाई साहब ये दूसरा मैटर है, आप जाइए जाइए। क्या मुसीबत है? कुमार हाँ, बोलो। देखो तुम ध्यान मत दो, बगल में एक फ्रॉड रहता है, तुम कल आकर पैसे लेकर जाना। कौन है फ्रॉड? भाई साहब मैं ही हूँ वो फ्रॉड, आपको पता नहीं है? सुबह सुबह बाहर जाकर लड़ाई कर रहे हो, चलो अंदर आओ। सर बोलो तो सामान को उतार दूं। अरे भाई बनते काम को बिगाड़ो मत, अपना काम करो और निकल लो। छोटे तुम यहाँ तक आए हो तो उसमें जो पेटी है उसे संभाल कर ले आओ, आते ही नहाने लगे, पेमेंट में से काट लूंगा। ए, अभी तक नहीं हुआ क्या? जरा जल्दी करना, ये पकड़ कैच। ए! अबे तुझे पकड़ना भी नहीं आता है क्या, कमाल करता है। नमस्ते भाई, आज ये लोग रूम खाली कर रहे हैं ना, आज दोनों जगह का रेंट लेके मजे करूंगा। हाँ यार आज सर दर्द दूर हो जाएगा। नहीं डेली किचकिच था यार। ओके ओके आ जाना, एंजॉय करेंगे। हैप्पी हैप्पी। एडवांस का अमाउंट बराबर है। ये 1000 रुपये किस लिए? खाली कर रहे हो ना, इसीलिए खुशी से रख लो। मेरी परेशानी के दिनों में ये पैसे बहुत काम आएंगे। चलता हूँ भाभी जी, चलता हूँ जी। तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? हाँ? वही, आज ये रूम खाली कर रहे हैं ना अपने कुंभ राजा, वो जहाँ भी जाते हैं बिना मतलब के भटकते रहते हैं। पापा इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी, देर हो रही है ना? पापा है क्या? जयंती बहन ने 1000 रुपए मांगे थे, वही देने गई थी ना पापा। अरे इस वक्त अपना बुरा टाइम चल रहा है, पैसे मांगने के लिए भेजा था तो तू उल्टे पैसे देकर आ गई। अच्छा रास्ते में वो कुमार भैया मिले थे तो तुमने बता दिया ना हम रूम खाली कर रहे हैं। बता दिया पापा। अपने पापा की लाडली बेटी है, बड़ा अच्छा किया, मुझे 2-4 गालियां खाने का इंतजाम कराई तू। पापा अरे कैसी बेटी है, तुझे कितनी बार समझाया, कभी भी इधर उधर जाते समय किसी को कुछ बताया मत कर। वैसे तो रोज सुबह एक ही ग्लास पीता हूँ, लेकिन अब रात में भी बिना पिए नींद नहीं आने वाली, हमेशा एक नई मुसीबत खड़ी करती रहती। चल जा, एकदम बेवकूफ लड़की है ये। तुम क्या खड़े हो, काम करो ना। हाँ, वही तो कर रहा हूँ मैं। अरे तो जल्दी करो ना, टाइम पास कर रहे हो। मेरा दुपट्टा तुम्हारे पास कैसे आया? लग सोप तुम्हारा था क्या? साइकिल से जाकर चौराहे पर कैसे हो कुमार? क्यों रे, मुझसे बोला कल इसी टाइम पे आके पैसे लेके जाओ और आज ही रूम खाली करके भाग रहे हो, धोखेबाज। शर्म आनी चाहिए, इस तरह भागने का क्या मतलब हुआ बताओ? मेरी मजबूरी है कुमार। मजबूरी है वो मैं भी जानता हूँ, भूल गए जब तुम्हें जरूरत थी तो मैंने तुम्हें 500 रुपए उधार दिए थे। फिर तुम गलत कह रहे हो। हैं? किसी से कोई उधार लेता है तो 4 दिनों में कैसे लौटा सकता है और देने वाला मांग कैसे सकता है, जरा सब्र होना चाहिए। मैं किसी के पैसे नहीं डुबाने वाला। ए, मेरे पैसे तू वापस करता है या नहीं बोल। इस तरह छोटी छोटी बातों पर उलझते नहीं कुमार। हैं? जो मुसीबत में है अगर वो दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ मैं भिखारी हूँ। हाँ हूँ मैं भिखारी, पैसा लेके चुकाने की औकात नहीं है। और बोल वचन देखो, ये ले। थैंक यू कुमार। मेरे चौखट पे दिखाई मत देना, धोखेबाज। अरे कुमार ज्यादा टेंशन मत लिया कर, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे, एकदम सनकी आदमी है। अबे पागल, अब इसे मैं कैसे संभालूं समझ में नहीं आ रहा। छोटे मैं तकलीफ में हूँ ये कहकर उससे पैसे लिए थे,
वो मुझसे बदतमीजी करेगा ये कभी सोचा नहीं था, इसीलिए मैंने पैसे निकालकर उसके मुंह पर मार दिया। जबान का पक्का हूँ मैं, ज्यादा सोच मत, काम पर लग जा। सुन, जो कुछ चल रहा है उसे देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा पैसा मिलेगा ना? हमेशा सही सोचा कर यार। मैं तो सही सोचता हूँ। कमरों में जो कपड़े थे सब ले लिया ना? हाँ ले लिया पापा। और बाथरूम का साबुन? नहीं पापा। अरे कैसी पागल है, उससे मैं एक हफ्ते तक नहाऊंगा, छोड़ा ही उसे। लेकर आओ लेकर आओ। देखा गाड़ी वाला कितना समझदार है। इसे किसने तोड़ा? ये पूछ रही है, बताना तूने तोड़ा ना? गमला ही तो है ना। हाँ, ये सब गमला है क्या? तो और क्या? ये मेरा फ्रेंड है। अरे वाह, ये गुलाब का फूल तुम्हारा फ्रेंड है? जी हाँ, जब मैं घर पर अकेली रहती थी तो मैं हमेशा इसी से बात करती थी। मैं भी फ्री रहता हूँ, हम फ्रेंड बन जाएं क्या? हाँ? ये अभी सही हो जाएगा। हाँ? मेरा मतलब हम हमारे फ्रेंड को अभी बचा लेंगे, देखती रहो। देख क्या रहा है, एक तो गमला तोड़ दिया। फ्रेंड को इधर दो। ये लो, हो गया। इसके लिए तुम इतना टेंशन ले रही थी हा? क्या हुआ, इसे ले जाने के बजाय इसे छोड़ क्यों दी? इसमें पानी डालना है, जरा रुको। बहुत होशियार बन रहा है तू। ये ले बेटी, पकड़ इसे। सुन छोटे, हाँ अब चलें क्या? हाँ चलिए सर। चल बेटी, संभल कर। लग सोप की महक। अरे बाप रे, मैंने रूम खाली किया ये जानकर मोहल्ले वाले पटाखे फोड़ रहे। सुनो सुनो ना, हुँ? ये एरिया कुछ खास है क्या? छोटे, मोहल्ले में जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो फटाके फोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ मुझ जैसे वीआईपी के जाने पर लोग फटाके फोड़ रहे हैं। ओहो, आप भी वीआईपी हैं क्या सर? ये आरआईपी है, रेस्ट इन पीस, मैं हूँ वीआईपी। अच्छा, अब तुम जहाँ जा रहे हो ना वहाँ पता चलेगा कि मैं वीवीआईपी हूँ। क्या पापा, आप हमेशा घर बदलते समय यही एक डायलॉग मारते हैं। आज के बाद हम कभी घर नहीं बदलेंगे, जहाँ जा रहे हैं ना वो हमारा परमानेंट घर होगा। एक भुट्टा देना मुझे। अरे भाई जरा सांभर डालो ना। ये रोज बार बार सांभर मांगता है, जैसे लगता है मैं सिर्फ सांभर ही बेचता हूँ। सांभर दो ना यार। मेरे यहाँ का सांभर इतना टेस्टी है कि ये रोज मांगता है। एक महीने का ब्रोकर का कमीशन मैं पहले ही ले लूंगा, वो घर वाले बहुत पैसे वाले हैं। एक रुपया छुट्टा नहीं है, बाद में ले लेना। हाँ, कोई बात नहीं। कल कोई दूसरा ले लेगा तो जिंदगी भर ढूंढोगे, ऐसा मकान नहीं मिलेगा। लगता है कोई खास मकान है। मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो यार? अब इसे सांभर देना ही पड़ेगा। बेकार में एक ही बात की रट क्यों लगा रहे हो? जो वहाँ भाड़े में रहेगा 3 करोड़ का मकान उसका हो जाएगा। मैं तुम्हारे ही फायदे के लिए कह रहा हूँ, तुम इधर उधर भटक कर बेकार में परेशान हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। क्या मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या 3 करोड़ का है? अरे वो समझे ना समझे, मैं समझ गया। अब तुम इडली सांभर में डालकर ऐसे ऐसे करके खाओ। पैसे वालों को देखकर ऐश की जिंदगी का सपना देखना इंसान की बेवकूफी है। समझा नहीं? मैं समझ गया, इसीलिए तो कह रहा हूँ। 2 इडली लेकर 3 बार सांभर क्यों मांगते हो? सांभर में ही डालकर खाओ। तो पापा हम जहाँ जा रहे हैं। चुप रहे बेटी, समुंदर की मोतियों को ही मैं तुम्हारे लिए बटोरने में लगा हुआ हूँ। आते हुए मौके को गंवा देने से आगे चलकर पछतावा ही होगा, तू क्या समझेगा? अभी तो सिर्फ दिल में ही दस्तक दी है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। कैसे समय पर आपने हमारी चौखट पर कदम रखा। आप रो क्यों रहे सेठ जी, क्या बात है बताइए। लगता है यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा ही है यार। आप रोइए मत, खुलकर बताइए ना। अरे कहीं नए भाड़े वाले तो नहीं? ये मेरी बहू है थापा। नमस्ते। और ये मेरा बेटा श्रीनिवास। नमस्ते सर। जो वहाँ भाड़े में रहेगा 3 करोड़ का मकान उसका हो जाएगा। हा? मुझे बेवकूफ बनाया। ये बात इन्होंने मुझे सुबह क्यों नहीं बताई? तो यहाँ से चल फिर, मैं तुझे देखता हूँ। 20 साल पहले मेरा बेटा गुम हो गया था, नेपाल में रहता था, आज सुबह ही वहाँ से वापस आया है। मेरा कमीशन गया, मैंने सोचा था कि मैं करोड़पति बन गया। आप लोग कोई दूसरा घर देंगे?
अच्छा धोखा दिया है तुमने मुझे। अरे भाई सुनो, तुम्हारी बातों में यकीन करके मैं यहाँ आया था, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? बिल्कुल चिंता मत करो, मैं दूसरा घर दिखाता हूँ। जल्दी करो। हाँ, बिल्कुल। अरे सुन बेटी। पापा यहाँ आओ। क्या हुआ पापा? इस घर के मालिक का बेटा 20 साल के बाद अपने घर वापस आ गया है, कह रहे हैं घर खाली नहीं है। सर जी, सामान उतार दूं क्या? मैंने तुमसे क्या कहा था? कहा था घर पहुँच के उतारेंगे। अभी उतारने के लिए कहा, इसीलिए पूछ रहा हूँ, उतारूं क्या? सुनिए ना प्लीज। अरे आप चुप रहिए। सुनिए, मेरे पास दो घर और है, मैं कह रहा था ना कि मैं उतरवाऊंगा। कि तुम्हारा प्रॉब्लम है कि मेरा प्रॉब्लम है? जरा चुप रहना यार, ये बताओ जाना कहाँ है? सुनिए, एक इंसान ही हमेशा दूसरे इंसान के काम आता है। देखो तुमने बता दिया ना, अब फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं हूँ। लेकिन मैं नहीं हूँ। जरा चुप रहना, शाम तक ये मामला निपट जाएगा और फिर उसके बाद रात को सेठ से मिलकर इस महीने का 18,000 ड्यू भी तो भरना है। क्यों सर? क्यों ना अभी हमारे साथ हमारे गांव चले, वहीं पर कोई घर देखकर वहीं पर रह जाना। मेरा बिजनेस बिगड़ जाएगा। बिजनेस? अरे भाई शहर में रहते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा धंधा कर लो और मजे से रहो। गांव में खेती करने के अलावा और रखा ही क्या है। जरा देख तो लूं। तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम। क्या बात है, बहुत स्पीड में भाग रहा है। नमस्कार, क्या है? मैं सही भी नहीं कर सकता क्या? क्या मतलब? अबे यार, उनका घर सही करेंगे तभी तो हमें पैसे मिलेंगे और हम यहाँ से निकल सकते हैं, इसलिए बोला। फैमिली वाले हो या बैचलर? बैचलर हैं। तुमने तो कहा कि फैमिली है। अरे मैंने कब बोला था? तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, वो जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। बैचलर मैं भी हूँ। ये फैमिली वाले हैं। देखिए ठीक, 1 तारीख को मेरा भाड़ा मिल जाना चाहिए क्योंकि मुझे 5 तारीख को अपने घर का लोन भरना होता है। अच्छा, घर पे लोन भी है क्या? जी हाँ। वो पड़ोस का कोई होगा, उससे हमें क्या लेना है मालिक, आप बोलिए, भाड़ा मिल जाएगा? बिना कमाई का भाड़ा कहाँ से मिलेगा? हमने तेनी में 1 रूम भाड़े पर लिया था, वो भी लोन का, जिसमें 2 परिवार एकदम आराम से रहते थे। अचानक बैंक वाला आकर बोला कि घर का 2 साल का ड्यू बाकी है, तो चलो बाहर निकलो। पूरे सामान के साथ घर को सील करके बाहर भेज दिया। वो वहाँ की बात थी। ठीक है फिर ले लो ना। दूसरा वाला घर देख लीजिए। अरे छोड़ो ना भाई, आइए आइए भाई आइए। इस दीवार में 1 कील भी नहीं ठोकना चाहिए। तो फिर कोई फोटो कैसे लगाएंगे? हेलो, तू मेरा फोन काट क्यों रहा है? अरे बाप रे। आज गुरुवार है और ऊपर से रात को आप रूम देखने आए हैं, अभी नहीं दिखा सकते। क्या रे, इतना पानी मत डाल कि तू खुद बह जाए, समझा ना। ए, कैसे भी करके कुछ ज्यादा पैसा कमा ताकि हम सेठ को दे सके। अभी सिर्फ 5,000 ही हुए हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल उसे पैसे लेते हैं। अरे चल, हाथ छोड़ यार, क्या कर रहा है? 1, 2, 3। अरे इतने आराम से क्यों गिर रहे हो? आजकल घर मिलना कितना मुश्किल हो गया है। वो घर बहुत ही अच्छा है। देखो घर अच्छा होगा तभी कमीशन दूंगा। सब मुझ पर छोड़िए, बिना मतलब की बातों में वक्त बर्बाद मत करिए, चलिए। देख यार, इनसे थोड़े बढ़ाकर पैसे ले ताकि सेठ को जल्दी चुका सके। ए, मेरे सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तभी पैसे बढ़ा कर दूंगा। आ, मेरे पीछे आओ। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोका? उधर देखो ना। आप उस तरफ से घूम करके आ जाओ। ए, जल्दी चलो ना। कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? पता नहीं यार। ए, लगता है हम भटक गए। क्या कहा? पापा फोन करो ना उसे। हाँ, शेर को सवा शेर मिला गया, फोन करके पूछ लो। लगता है मुझे धोखा दे गया वो। ये क्या पापा, ये तो फोन भी नहीं उठा रहा है। वो गाड़ी चला रहा होगा ना, रुकेगा कहीं तो फोन करेगा। तब तक हम यहीं रुकते हैं। ए, जरा आराम से बैठो ना। ए, 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 कहाँ जा रहे हो तुम? ए, गाड़ी पंचर हो गई, चलो उतरो। ओ, ये भी अभी होना था। छोटे हाँ सर, जरा मेरी साइकिल उतार दो। जरा संभल के उतरना। हाँ लाओ, ये लीजिए सर। छोटे मेरी बेटी और सामान का ख्याल रखना, मैं अभी उसे ढूंढ कर आता हूँ।
अच्छे से ख्याल रखूंगा सर। सुन, आगे कोई पंचर की दुकान है, मैं देखकर आता हूँ। अरे सुन, उसके माथे पर मेरा नाम लिखा है, ये मैंने कहा तो तूने यकीन नहीं किया। क्या? ऐसा नहीं होता तो इसका बाप मेरी बच्ची और सामान का ध्यान रखना ये कहकर क्यों जाता है? तू जाके पंचर की दुकान ढूंढ, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। क्या किस्मत है यार, वो तो मेरी ही है। छोटे जरा ख्याल रखना। बाजू में है। कौन सी? चार दुकान छोड़कर। अरे भाई साहब, ट्रक का पंचर बनाना है, जरा चलो ना। नहीं भाई, दुकान बंद करने का टाइम हो गया। अरे चलो ना भाई, पास में ही है। अरे कहाँ ना नहीं होगा। अरे सुबह सेठ से मिलना है। वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन! ये कहाँ चला गया? वॉचमैन! हेलो, मैं एजेंट आनंद बोल रहा हूँ, आपको भाड़े पर? हाँ, भाड़े पर रूम चाहिए हमें। अच्छा ठीक है, मिलके बात कर लेंगे। वैसे कितने लोग हो? मैं और मेरी बेटी, सिर्फ दो ही लोग हैं, दर दर भटक रहे हैं। कोई घर है तो बताओ ना। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। हेलो, हेलो, फोन कट कर दिया। वॉचमैन, वॉचमैन, नमस्ते सर। ये बिल्डिंग ओनर और ये बैंक के ओनर सर। नमस्ते सर।
वो कहां से आया? सर, ग्राउंड फ्लोर का सीलिंग तोड़कर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं इस वक्त घटनास्थल से बात कर रहा हूं। सर, वो उसी जगह से आया था। सर, भजनलाल फाइनेंस कंपनी में बहुत पैसे थे। डकैत ग्राउंड फ्लोर को भाड़े में लेकर रात में सीलिंग में एक बहुत बड़ा होल करके उसी रास्ते से ऊपर आए और लॉकर में जितना अमाउंट था सब लेकर फरार हो गए सर। और अमाउंट? 2 करोड़ था सर। 30 लाख। हाँ सर, 2 करोड़ 30 लाख था ऐसा बैंक ऑनर कह रहे हैं। बैंक में सीसीटीवी नहीं है? हाँ है ना सर, लेकिन सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को तोड़ दिया गया है। उतना ही नहीं सर, कैमरा के सारे लाइंस को काट कर सारे सिक्योरिटी सिस्टम को खराब कर दिया गया है। उन्हें किसी पर शक है क्या? हाँ मैंने पूछा सर, जिसने कमरा लिया था सर उसी का काम है। फिर भी मैं सारे कर्मचारियों से अच्छी तरह पूछताछ करता हूँ। हाउस ओनर से पूछताछ किया? हाँ किया ना सर। उनका कहना है कि मैंने अभी अभी रेंट पे दिया था, 2 लाख रुपया उसने डिपॉजिट किया था, लेकिन उसने कोई आईडी प्रूफ या फोटो प्रूफ नहीं दिया। एग्रीमेंट में सिर्फ उसका नाम और एड्रेस है सर। इंक्वायरी के लिए गवाह के रूप में उसका एक ही आई विटनेस है और वो है हाउस ओनर। कितने लोग थे वो? वो अकेला ही रहता था सर। क्या कहा? एक अकेले का काम है ये? जी हाँ सर, सिक्योरिटी गार्ड की लाश लेकर ऐसा लगता है कि वो सच में बहुत डेंजर आदमी है सर। मैंने अभी तक जितनी पूछताछ की है उससे कोई क्लियर पिक्चर अभी तक सामने नहीं आई है सर। उसने एक भी क्लू नहीं छोड़ा है सर। वो बदमाश बहुत ही ब्रिलियंट है सर। एक्यूज्ड बहुत ब्रिलियंट है और हम लोग बेवकूफ हैं क्या? नहीं सर। क्या नहीं सर? वो बचकर नहीं जाना चाहिए। उसे जल्दी पकड़ो, समझ गए? ओके सर। उसे जल्दी पकड़ो, ऐसा लगता है वो हमारे लिए रोड पर खड़ा है। जल्दी पकड़ो, गाड़ी निकालो। सर सर सर, भैया कितने पैसे? 79 रुपीस। 79? हेलो, इडली वाला कुंभार राजा बोल रहा हूँ। ये लो भैया। थैंक यू भाई। हाँ ठीक है। बेटी चल गाड़ी में बैठ जा। क्या क्या हुआ? ज्यादा हुकूमत चलाओ, समझे ना? रास्ते मैंने तो इसे कहा है, बाकी सब छोड़ो, पहले हमारा भाड़ा दो, हमको जाना है, बहुत परेशान है। अरे मैं भी तो परेशान हूँ, कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? सुनो मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ हूँ, समझ लो। धमकी दे रहे हो? क्या क्या करूंगा बताऊँ? क्या करूंगा? सामान के साथ तुम मेरी बेटी को किडनैप करके भागे हो, कंप्लेंट कर दूंगा। कंप्लेंट करेगा तो क्या? जाकर अच्छा कर दूं क्या? कंप्लेंट कर जा। रुक गाड़ी रोक। ऑटो रुक जाओ, जल्दी उस लॉरी का पीछा करो, वो मेरा सामान और बेटी को लेकर भाग रहा है। गाड़ी रोको पापा। गाड़ी रोक। ए रुक जाओ कह रहा हूँ, गाड़ी रोक। ए अबे गाड़ी रोक यार, चुप रहे तू। सुनो पापा, गाड़ी रोक दे। अबे बोल रहा हूँ ना, गाड़ी रोक। बेटी उन्हें रोक, भगवान के लिए गाड़ी रोक दो। T2 स्टेशन, इंस्पेक्टर दामोदर बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। भजनलाल फाइनेंस कंपनी में चोरी हुई है, नाकाबंदी करके चेकिंग करो और मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। बी केयरफुल। थैंक यू सर। बस 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 रुक जा, ये ले पैसे पकड़। ए उतर बे, नीचे उतर, मेरी बेटी को लेकर भाग रहा था, नीचे उतर। तुम भी उतर बेटी, उतर। सर तुम इधर आओ। सर पुलिस, सर आ रहा हूँ, सर आ रहा हूँ। सर आप लोग दिन में भी सोते रहते हैं क्या? क्या ये मेरी बेटी को किडनैप कर रहा था? ये क्या कर रहे हो? हाँ सर, इधर आ बेटी, इधर आ, मेरे साथ आ। अरे सर, ये जरा रुको। सर सर ये मेरी बेटी है सर, ये इसे गाड़ी से लेकर भाग रहा था सर, मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा सर, सोचिए मेरी जवान बेटी है सर, क्या हाल होता सर उसका? मैंने कुछ नहीं किया सर, इसकी वजह से कल रात से हम लोग भटक रहे हैं, इससे भाड़ा मांगा तो झगड़ा करने लगा, इल्जाम लगा रहा है कि हमने इसकी बेटी को किडनैप कर लिया है, इसीलिए गाड़ी थाने लेकर आया हूँ सर। चुप ना यार, तू चुप कर। सर सभी जगह एडवांस मांगते हैं, मेरे पास है नहीं, दर दर भटक रहा हूँ सर 2 दिनों से। एक दो घर मिला भी लेकिन वो अच्छा नहीं था, एक अच्छा घर मिला लेकिन वो इसकी वजह से चला गया। सर बुढ़ा मुझे भी लपेट रहा है। ऐसा क्यों किया? क्या पूछ रहे हैं सर? चुप कर, बात क्या है? सर कोई अच्छे इलाके में जाकर रहेगा तो ही अच्छा रहेगा। तो तू दिलवा दे ना। चुप कर। सर मैंने ब्रोकर को एडवांस दिया है, मैं उसे फोन करता हूँ, तब तक इनसे कहिए कि ये लोग जरा चुप रहे। सर ब्रोकर फोन नहीं उठा रहा है सर, ये एक नंबर का कंजूस आदमी है सर, एक कप चाय नहीं पिला सकता, इसका फोन कौन उठाएगा सर? ब्रोकर वापस नहीं आने वाला सर, आप बस हमारा पैसा दिलवा दो इस आदमी से। ए सुन जी, तुझे देखने लगा एक बुजुर्ग इंसान है, इनसे तमीज से बात कर। पागलों की तरह बात कर रहा है और आप इसका साथ दे रहे हैं सर। काल खींच दूंगा, अंदर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराइए। ठीक है सर। क्या देख रहा है? है क्या देख रहा है? किसी तरह उस ब्रोकर को ढूंढकर इन्हें घर मिलने के बाद उनका पूरी तरह से साथ देकर ही जाएंगे। सही कह रहा हूँ ना? 9 8 8 चलता हूँ सर। 9 8 8 दोबारा कभी लफड़ा किया ना तो अंदर कर दूंगा। बिल्कुल नहीं करेंगे सर।
ए, चलो गाड़ी निकालो। किसी तरह हम नंबर निकाल कर उस ब्रोकर को ढूंढेंगे, नहीं तो दूसरा घर देख लेंगे। तब तक मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तू नहीं सुधरेगा। शुक्रिया साहब। ए एसआई साहब ने क्या बोला सुना ना, जल्दी आजा चल। ए छोड़ना ये सब, उस बेचारी के साथ तू क्यों खेल रहा है? उसे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर उसके साथ घर बसाने का मन कर रहा है तेरा? धीरे धीरे उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगेगा। वो जागने के बाद मैं उसे मोती की तरह संभाल कर रखूंगा। अब प्रॉब्लम वो लोग नहीं, तू बन रहा है। तू ना चैन से जिएगा ना मुझे जीने देगा। बाकी क्या करना मैं देख लूंगा, चल। क्या हुआ? सर मैकेनिक को दिखाएंगे तो ही मालूम चलेगा। ठीक है जाकर दिखा के लाओ। हाँ थोड़ा पीछे और ले ले। ठीक है जाओ। ले सकता है, ले सकता है, जल्दी करना। ए रुको, टोल तक छोड़ देना मुझे। अरे सर आइए ना, आप ही की गाड़ी है, आइए, इसमें परमिशन की क्या जरूरत है, आइए ना सर। आओ बैठो ना। हाँ तू लगे रहे लगे रहे। सुनो गाड़ी ठीक करवा के टोल लगा के आ जाना। आराम से बैठिए सर, आ जाएगा वो। इसे अपनी गाड़ी समझिए सर। और सर डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? क्या डिपार्टमेंट में अगर सब कुछ सही चलता तो हमें कंप्लेन करने की जरूरत क्या थी? ए नजरें जरा रोड पर रख सर। क्राइम करने वालों को बीच सड़क पर खड़ा करके उड़ा देना चाहिए, तभी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहेगा। देख रहे हैं शहर को कंट्रोल करने वाला डीएसपी कंट्रोल रूम में अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए बैठा है। सोशल मीडिया पर लोग उस पर थूक रहे हैं सर। अब ये तो पुलिस के पीछे पड़ गया। तेज गाड़ी चलाओ। ठीक है सर। सर तेज गाड़ी दौड़ेगी तो ओवर स्पीड के जुर्म में पुलिस पकड़ लेगी। तो फिर मैं कौन हूँ? लड़कों ने सही कहा था, इसका दिमाग ढीला है। सर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आजकल के बच्चे हम पर विश्वास क्यों नहीं करते? बताइए ना क्यों नहीं करते वो? घड़ी बहुत बढ़िया है सर। ए इन्हें तुम्हें कितना भाड़ा देना है? 5,500 सर। चलो दो। सर सर मेरे पास उतना नहीं है। ए कहा ना उसको दो। ये लीजिए सर। ए पैसे उसे दो। ले लो। जल्दी लाओ। आगे लो आगे लो आगे लो आगे 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 आओ आओ चलो 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 एक एक करके। सुनो सॉरी बेटा, सच्चाई जाने बगैर मेरा हाथ उठ गया। चलो ठीक है चलता हूँ। ए बंद गाड़ी रोको। रोक रहा हूँ सर। चलो चलो निकलो 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 चलो 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 निकलो। ए रोको उसे। सिंगल जाने दो उसे। हाँ हाँ चलो 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 गाड़ी आगे बढ़ा। निकलो चलो चलो जल्दी। ए स्कार्ट पे रोको। ए रोको 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 साइड में साइड में साइड में साइड में लो। इसे चेक करो। ओके सर। हेलो जरा गाड़ी से बाहर आओ, आगे पीछे ठीक से चेक करो। यस सर। कहाँ से आ रहे हो? अन्ना नगर से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तिरुचि तक जाना है। गाड़ी के पेपर्स है ना? जी हाँ है। दिखाओ। उधर क्या देख रहे हो? पेपर लाओ। सर इसमें कुछ नहीं है सर। ठीक से चेक किया? सर। हाँ ला लो।
जल्दी ला यार। खुद की गाड़ी है क्या? गाड़ी वाली गाड़ी को आगे आने दो, आगे आने दो उसे। हेलो, उधर क्या देख रहे हो? ये तुम्हारी गाड़ी है क्या? हाँ सर। तुम उधर क्या देख रहे हो? ये लो, निकलो। देख के बताओ तो ये गाड़ी इधर से निकली है क्या? नहीं, अभी तक नहीं निकली। हेलो। मेरे मना करने के बाद भी तूने गाड़ी क्यों निकाली? हाँ? तीन महीने से उस बैंक पर मैंने नजर रखी थी और उसके बाद उसे लूटने का प्लान बनाया गया था। लूटा हुआ पैसा लेकर तूने लॉकर तक क्यों नहीं पहुंचाया? तुझे अपना कमीशन लेकर जाना है या फिर? मदुरई टोल नाके में पुलिस की चेकिंग चल रही थी तो मैंने पैसे एक लॉरी में डाल दिए हैं और लॉरी मिस हो गई है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। लॉरी में डाल दिया हो, रोड पे रख दिया हो, ये कहानी सुनाना छोड़। पैसों को जल्द से जल्द पहुँचाने के लिए सोच। जो भरोसा करता है उसके साथ विश्वासघात करना बहुत गलत है, और अगर तूने ऐसा सोचा तो तुझे पता है ना तेरा क्या होगा। कौन हो तुम? ये गाड़ी क्यों खोल रहा है? कौन चाहिए तुम्हें? गाड़ी में जो थे वो अभी कहाँ है? हैं? जो लोग इस गाड़ी में थे वो लोग कहाँ है? ए, गाड़ी को इस तरफ घुमा लो, इस तरफ घुमाओ ना। ए, मैं गाड़ी घुमाने के लिए कह रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो, थोड़ा संभाल कर गाड़ी चलाना। तुम इधर इस तरफ कहाँ ले जा रहे हो? अरे गाड़ी यहाँ चली गई। अरे सुनो, फिर पंचर हुआ क्या? ए, चलो उतरो। क्यों भाई, पैसे मिल गए तो आंखें दिखा रहे हो? ए, अभी फोन करूंगा, सिर पर एक भी बाल नहीं बचेंगे। आ, समझ गया सर, इन बेकार में लफड़ा कर रहे हो। ए, गाड़ी निकाल लो। तू चुप कर रहे। ए, नीचे उतर। रुक जा, ये ऐसे नहीं मानेगा। होशियारी दिखा रहा है ये? अभी दिखाता हूँ। गाड़ी के पेपर दो।
हेलो सर, मैं कुमराजा बोल रहा हूँ सर। कौन कुमराजा? सर अभी कुछ देर पहले जिस गाड़ी से आप आ रहे थे ना, आपको टोल गेट तक लिफ्ट दिया था, वही कुमराजा। क्या हुआ सर? गाड़ी का ड्राइवर फिर से परेशान कर रहा है सर। फिर लफड़ा किया क्या? जी हाँ सर। सर आप एक काम कीजिए, पूरी पुलिस फोर्स के साथ तामर जंक्शन पर आ जाइए, इंतजार कर रहा हूँ मैं। ठीक है मैं आ रहा हूँ। तू किसको ऑर्डर दे रहा है? सच में तू पागल है? बूढ़ा आदमी समझ कर मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया और तू मुझ पर रौब झाड़ रहा है? वो तामर जंक्शन कहाँ है सर? ओके सर, आपने जो कहा मैं कह देता हूँ सर। ए, क्या कह रहा है? फोन उसे दो, मेरा सामान उसे रोड पे फेंकने के लिए कहता हूँ, वहाँ से अपने सर पे उठा करके ले जाना। सर ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सर। तेरे बाप का राजा क्या? वो तो कुछ कर नहीं सकता, बेकार उस लड़के को परेशान कर रहा है और साथ ही साथ मुझे भी परेशान कर रहा है। सर सर जल्दी से रूम ढूंढ ले। जी हाँ सर। सर सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो अबे फोन रख यार। हेलो अच्छा हुआ मैंने तुझे फोन नहीं दिया। क्या होता? तेरी बैंड बज जाती। बज गई ना बैंड? अब दिखा दूं कैसे बैंड बजती है। रुक रुक, कहाँ जा रहा है? अरे रुक। अरे ये तू क्या कर रहा है? नहीं छोड़ मुझे। अरे क्या कर रहा है? सामान फेंक रहा है मेरा। अरे क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? सर अरे मेरा क्या सामान नुकसान हो जाएगा? तू मेरा क्या कर रहा है? अरे रुक ना, अरे रुक ना, क्या कर रहा है? अरे अरे मेरा सारा सामान टूट रहा है। अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे मुझसे गलती हो गई, नीचे उतार। अरे ऐसा मत कर, मेरा सारा सामान टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा सब। क्या कर रहा है? ऐसा मत कर, मान जा। अरे अरे क्या कर रहा है? सब फेंक रहा है सड़क पर। मैं देखता हूं। ए नहीं नहीं रुक जा। अरे किसकी है तेरी रोजी रोटी है? उसे भी तू क्यों काम कर रहा है यार? अरे बना करो इसे, ये गाड़ी से निकल गई है। क्या बस कर बे, बस कर। मैं क्या कर रहा है? अरे चुप कर तू। अरे मैं कह रहा हूँ तुझसे, ये ले। मैं कह रहा हूँ मान जा, मत कर ऐसा। मैं नहीं मानने वाला। अरे वो एक अलमारी बची थी, उससे भी तोड़ दिया इसने। अरे रुक, क्या उनको बर्बाद करके छोड़ेगा क्या? पहले नीचे उतर, चल। मैं बोल रहा हूँ ना, नीचे उतर, चल चल। अबे चलना यार, क्या कर रहा है? सब तेरी वजह से हो रहा है। धक्का मत मारो मुझे। सामने से हुआ क्या? गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं कर रहे हो। सेठ ने ये गाड़ी ले जाने के लिए भेजा है मुझे। भाई अरे भाई मेहरबानी, गाड़ी मत ले जाओ। क्या बोला? गाड़ी नहीं ले जाऊं? हाँ भाई। तू रुकेगा मुझे गाड़ी ले जाने से? देखो ये लो पैसे रखो। हमने पैसे भी दे दिए, प्लीज बाकी के पैसे भर के गाड़ी आकर ले जाना है। ए भाई चल। अरे भाई गाड़ी मत ले जाओ भाई, गाड़ी ये जाओ सारी गाड़ी, बाकी गाड़ी बाकी सुनो भाई। नहीं भाई चलना जल्दी सुनो। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, उतरो यार। वो जगह कहाँ है मुझे बता। ये गाड़ी सी से छुड़वाने के लिए कितना पैसा चाहिए? 10,000 लगेंगे। 50,000 रुपए दूंगा। अच्छा भाई मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी भाई, अभी हेल्प कर दो वापस लौटा दूंगा। एक बार समझाए ना, समझ में नहीं आ रहा है? मेरे पास पैसा नहीं है, बेकार में 500,000 के लिए मेरा दिमाग खराब मत करो यार। भाई आप फोन रखो भाई, कर दो ना भाई। फोन बंद है। हेलो क्या हो गया? चोरी हो गई? हाँ 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 प्यारे, उसे वहीं दबोच कर रख और जरा तोड़ेगा तब बताएगा वो, समझा? ठीक है तू कुछ मत कर अभी, नहीं तो वो मुंह नहीं खोलेगा। एक काम कर, उसे बकरे की तरह वहीं बांध कर रख, अभी आकर उसे हलाल कर देता हूँ। हाँ नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त स्विच्ड ऑफ है। सुनो तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? शाम होने से पहले हम उस ब्रोकर को ढूंढकर घर का इंतजाम कर लेंगे। मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ, थोड़ा इंतजार करो सब हो जाएगा। अब तो तू खुश हो गया ना? जो तू चाहता था वो तो हो गया ना? अबे जरा चुप रहना। तूने ही कहा था ना वो हमारा सेठ है, हमसे गाड़ी वापस नहीं लेगा, छीन ली उसने ना हमसे गाड़ी।
क्या पैसा, सिर्फ पैसा बोलता है इस दुनिया में, उसके बिना कुत्ता भी नहीं पूछता। एक गाड़ी थी वो भी इन मनहूस की वजह से हमारे हाथों से निकल गई। जरा चुप रहना यार। क्या है, किसे गाली दे रहा है तू? चुप कौन मनहूस है? जुबान मत लड़ाओ, अपनी जुबान मुंह में रख। मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा ना, खा खींच लूंगा। सर ये बहुत गर्म हो गया। अरे टेंशन किसे नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है क्या? मतलब हम लड़ाई तो नहीं कर सकते ना? इस तरह लड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? जो हो गया कितनी समझदार है ये। अरे तुम अपने पापा को लेकर जाओ ना। ए ए चलिए पापा, नुकसान मेरा हुआ है और तैश ये दिखा रहा है। सर क्या हुआ, आपका एक बैग यहीं पर पड़ा हुआ है। वो मेरा नहीं है। तेरा नहीं तो फेंक देता हूँ मैं इसे। अरे ए, 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 ए। पैसा, हाँ? पैसा, पैसा। ए, बैग छोड़। क्या कर रहा है? पहले फेंकता है, उसके बाद कहता है मेरा। तुम्हें कहा ना बैग तेरा नहीं, छोड़ी से। ए, 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 इधर हमारा नहीं है ना, तो फिर आप क्यों लड़ रहे हैं? तू चुप रहे, मेरी दुश्मन है क्या? जो मैं सोचता हूँ उसका उल्टा ही कहती है। हमारे सामान के साथ है तो ये बैग हमारा ही है। अरे जरा चुप कर यार, लगता है इस बैग में पैसा हमारा नहीं है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। क्या बोल रहा है, इसमें बहुत सारे पैसे, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकर हम क्या करने वाले? अरे तू समझने की कोशिश कर यार। बाप रे, इतने सारे पैसे, अब मैं, बाप रे, अब मैं करोड़पति हो गया। पापा, पापा, सर क्या हुआ? पापा आंखें खोलिए। पापा, अरे घबराओ मत, इन्हें कुछ नहीं होगा। एक मिनट, चलना थी। ए, जल्दी ऑटो ले, क्या पागल हो गया तू? सर, 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 घबराओ मत, मैंने कहा ना तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। हाथ उठाओ, हिम्मत से काम लो, मैं हूं ना, मैं हूं। मैंने आपको ये जगह बता दी ना, वादे के अनुसार पैसे दो मुझे। सुनो, इस तरह रो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को। अरे पापा, सुनिए, आप लोग बाहर ही रुकिए। रो मत ऐसे, कहा ना तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। मेरे पापा ही तो मेरे जीने का सहारा है। माँ की तो मैंने शक्ल तक नहीं देखी। पापा से झगड़ती रहती थी कि कम से कम एक बार तो माँ की शक्ल दिखा दो। गांव से सभी लोग शहर जाकर पैसे कमाते थे, तो पापा ने भी सोचा कि वो भी शहर आकर बहुत पैसे कमाएंगे, फिर ही गांव वापस जाएंगे, उसके पहले नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं भी अपने पापा के साथ दिन रात मेहनत करने लगी ताकि कुछ पैसे जुटाकर हम लोग गांव वापस जा पाए। लेकिन उससे पहले ही मेरे पापा। देखो ऐसे रो मत, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। पापा को क्या हुआ है डॉक्टर? उन्हें हार्ट अटैक आया। उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? कंडीशन तो खराब है। हा? उनकी जिंदगी बचाने के लिए 4 लाख रुपयों का खर्च आएगा। इतने पैसे दे सकते हो? भर देंगे डॉक्टर, इधर ला। ए, क्या कर रहा है तू? तू आना यार। अरे यहाँ पर मत निकाल। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? निकालने में समझा कर, पब्लिक प्लेस है। मुझे 2 हफ्तों का टाइम दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। ए, उससे पूछना यार, पूछ। भाई साहब, हाँ? बाथरूम कहाँ है? सीधा जाके लेफ्ट। हाँ, चल। अच्छा,
वादे के मुताबिक कम से कम मेरे पैसे तो दे दो। है उसका नंबर है मेरे पास, बात करता हूँ। फोन कट कर। ये क्या, वो तो मेरा फोन काट रहा है। मतलब वो उसके हाथ लग गया। मैटर क्या है भाई, गांजा अफीम हीरोइन कुछ माल था क्या उसमें है? ये लीजिए। हाँ चल। हाँ। हाँ सर जी, उन लड़कों को कहाँ भेजा है कुछ याद है आपको? ये उनका बिल है। मार्केट गए थे कुछ सामान खाली करने के लिए। फूल की लोडिंग कहाँ उतरती है? अरे सेठ जी, क्या हुआ? दुकान का नंबर क्या बताया था? दुकान का नंबर मैंने कब बताया, फूल बाजार में गाड़ी लेकर गया था। ठीक है, खुद पता लगा लूंगा। अरे भाई लाइन से आओ ना, जरा जल्दी है। सबको यहाँ अर्जेंट ही है, लाइन में लगो। कौन वो जो सुबह फूल खाली करके गए? हाँ भाई, वो फूल को उतार कर यहाँ से चले गए। दोपहर में फोन करके मुझसे कुछ पैसा उधार मांग रहे थे, मैंने ना कह दिया। अच्छा, उन्हें कहीं और ढूंढिए। फूल का लोड देकर कहीं और तो नहीं भेजा? अरे नहीं बाबा। दवाई मिल गई, बस वो आने वाला है। ये लीजिए, वो आ गया। जल्दी आइए। आपसे वेट कर रही थी। हेलो, क्या हुआ? मिला नहीं है, ढूंढ रहा हूँ। ज्यादा बहाना मत बना, नहीं तो मेरे लोग तुम्हारे फैमिली को ढूंढने निकल जाएंगे। आपके पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे। बैंक के एक्यूज के फोन नंबर की डिटेल मिल गई है सर। आप जाइए, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। ठीक है साहब, चलते हैं। फिंगरप्रिंट्स कहीं भी ना मिले, इसीलिए उसने बिल्डिंग में पाउडर डाला है। ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला सर। चाहे वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। आइए लो भैया। चुइंगम नहीं, मुझे अपना एक रुपया चाहिए। एक रुपया नहीं है, दो रुपया का सिक्का है। तो फिर दो रुपए ही दो। एक रुपए की औकात नहीं है क्या? बिल्कुल भिखारी हो क्या? मेरा चाहे एक रुपया ही क्यों ना हो, मैं कभी नहीं छोड़ता। इसका सर फोड़ दिया, पता नहीं मेरा क्या करेगा। मेरा क्या बिगाड़ेगा, देखता हूँ। भाई साहब, बहुत देर से मैं इस काले डब्बे को देख रहा हूँ, क्या है ये? ट्रांसमीटर और रिसीवर। इसका मतलब? जो चीज खो गई हो अगर 100 मीटर के दायरे में होते ही बता देगा। तो आपने अभी तक बताया क्यों नहीं? एक आइडिया, ये जो डब्बा है ना, ये कुछ नहीं बताएगा। ये जो खोपड़ी है ना, अब इससे निकालूंगा मैं। गाड़ी घुमाओ।
देखते जाओ मैं क्या कमाल करता हूँ। आप मेरे पापा कैसे हैं डॉक्टर? खतरे से बाहर हैं। He's all right. जाकर मिल लीजिए। हम यहाँ लौट कर क्यों आए यही सोच रहे हो? नीचे उतरो बताता हूँ। वो सामान छोड़ कर गए हैं, इसका मतलब वो लोग लौट कर जरूर आएंगे। हैं? तुम एक काम करो, तुम अपनी गाड़ी ले जाकर ब्रिज के उस तरफ खड़ी कर दो और वहीं पर छुप कर खड़े रहना। मैं यहाँ पर बैठकर उन लोगों का इंतजार करूँगा। जैसे ही वो आएंगे उनको दबोच लूंगा मैं। हैं? आइडिया सही है ना? तो अब लग जाओ काम पर। ये बैठिए सर, अपनी ही कार है। नीचे उतर। सर आप क्या सोच रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है लेकिन फिर भी आपका पूरा ख्याल रखना, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। इसलिए हमने ये कार खरीद ली। इस गाड़ी पर आपका नाम लिखा है सर, देखिए। जी हाँ, बैठिए ना, आइए ना। आराम से सर। Hey, ये लोग मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, जल्दी अंदर भेजो। ये नहीं है सर, ये भी नहीं है सर। ले जाओ। चलो 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 भाई चलो। सर सर, अरे वो आप मत खाइए। पैसा और खुशियां एक साथ किसी को नहीं मिलती, ये मैंने सुना था। आज सब कुछ है लेकिन जो चाहता हूं खा नहीं सकता। पेट भर के खा बेटी। तक आए हो, मुझे बोल देते भाई, चोर बाजार से 50% डिस्काउंट पे दिलाता, साथ में एक दो फ्री में भी। इसके लिए आप कल से घूम रहे हैं भाई, मेरा भी टाइम खराब कर दिया। आपका काम हो गया, आप मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ, पैसा मांगा तो कहाँ जा रहे हैं? खाना खाने? ठीक है, खाना खाने के बाद दीजिएगा। अरे खाना? भूख लगी है, खाना खा लेता हूँ। अरे तो टॉयलेट है। ए, अंधा है क्या? दिखता नहीं है? हेलो, सुनो, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ वो लोग हैं क्या? देखो है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं है वो लोग। बिल? क्या बिल? हाँ। हमने तो कुछ खाया भी नहीं भाई, बिल किस बात के लिए? ओ, मुझे वहाँ काम पे लगा के तुमने खाना खा लिया क्या? सर पहले जाकर खाना खाइए। चार-पांच आदमी निकले यार तुम तो। ये उसके लिए नहीं है। तो फिर रुको रुको रुको, चोर की औलाद है, पकड़ लिया ना उसे।
जरा पीछे लेना भाई, बस बस बस। वो क्या है ना कि उन चारों में से एक बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, इसीलिए ये गलती हो गई। स्टॉप स्टॉप, जरा रिवाइंड करो तो, और जरा रिवाइंड करो, रुको 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 रुको, प्ले स्टॉप, जरा इसे फॉलो करो, अगला विंडो अगला विंडो। इनकी तो हुलिया बदल गई, जिस कपड़े में थे उसमें नजर नहीं आ रहे हैं। अगला विंडो अगला विंडो, कैमरा ये तक कवर करता है सर। भाई साहब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी सेठ से पूछकर बताता हूँ। हेलो, हाँ सेठ जी। हाँ बोलो। अरे वो पल्लवी का लड़का किस गांव का है? अरे वो तेनी गांव का है। तुम बार बार उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ठीक है सेठ जी, पूरी बात बताए बिना कट कर दिया। गाड़ी अभी सीधा तेनी लो। गांव में कौन आया है? अरे वो तो कुंभू राजा है ना, उसे देखे कितने साल हो गए। सही कहा, घर दुकान गिरवी रखकर गया था, आज कार से उतर रहा है। संभल के चलिए सर। दीदी कैसी है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। जानकी बहन कैसी हो? अच्छी हूँ। ये रहा हमारा घर। हाँ मैं यही पैदा हुई थी ना पापा। हाँ बेटी, अंदर जाकर देख सकती हूँ पापा? ताला लगा हुआ है बेटी। छोटे हाँ? इस घर के लोग कहाँ गए? कौन ये लोग? हाँ। इनके लड़के को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। हाँ। इसलिए यहाँ ताला लगा के वो लोग वहीं रहने के लिए चले गए। शहर में काम करते हैं? चलता हूं। ठीक है चलूं क्या? आखिर आपने घर वापस ले ही लिया। कुंभू राजा के पास बस के पैसे नहीं होते थे, आज देखो कितना बड़ा आदमी बन गया है। कुछ नहीं भाई, सारे गांव में उसी की चर्चा चल रही है। छोड़ माचिस दे दे। सर उसका बाल बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा अभी बता रहे हो? सुनो, किसी को भी घर किराए पर देने से पहले उसका एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ लेकर पुलिस डिपार्टमेंट में जमा करवाना चाहिए। अग्रीमेंट में एड्रेस था इसलिए आईडी प्रूफ लेना भूल गया था सर। भूल गया क्यों? लाश जलाने के लिए शमशान जाना था? यहाँ मेरी जान पर बनाई है, सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। पकड़ो पकड़ो कह रहे हैं। अरे पुलिस वाला कोई जादूगर है जो ताली बजाएगा और तुरंत क्रिमिनल को पकड़ लेगा? सर उसकी नाक थोड़ी लंबी है। ठीक से देख कर बताओ, मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई आई विटनेस नहीं है। सर यही है सर। उसे यहाँ से गए हुए जमाना हो गया, उसके बाद वो आया नहीं है? उसका कोई पता होता है क्या? वो कहाँ रहता है ये तो नहीं पता, जाकर लॉरी स्टैंड में पता कीजिए। चलो
बकरे का मीट लिख लो 15 किलो। ठीक है। पूड़ी और चपाती के लिए गेहूं लिख लो 10 किलो। सर हर चीज थोड़ी ज्यादा ही मंगवाइए, तभी तो गांव के सारे मेहमानों को और बिन बुलाए लोगों को पेट भर के खिला सकते हैं हम लोग। छोटे हाँ। पहले यहाँ के लोगों को तो खिला लूं, ठीक होने के बाद पूरे गांव को खिला देंगे। सही बोला सर, एकदम करेक्ट। हाँ। लगता है पुलिस किसी चोर को पकड़ने के लिए लगी है। हाँ। सुनिए लाइट जलाइए, चलो जाओ। गाड़ी आगे आने दो, आगे आने दो उसे, आगे आगे आगे। आ रुको यहीं पर, रुको रुको। हेलो वरुण सर। हाँ देख क्या आ रहा हूँ सर। हाँ ठीक है सर। लाइट क्यों बंद है? मैंने कहा लाइट जलाओ ना। जरा मेरी तरफ देखो, तुम घूमो इस तरफ, सुना नहीं क्या तुमने? अरे, अरे, अरे क्या कर रहा? अरे वो पुलिस वाला, छोड़ो उसे। अरे बताओगे क्या? अरे अरे छोड़ो उसे, अरे पुलिस वाले को क्यों मार रहे हो? अरे अरे छोड़ो छोड़ो उसे। अरे अरे भगवान, अरे क्या कर रहे हो तू? बेमौत मरवा देगा मुझे भी। पुलिस वाले को क्यों मार रहे हो? अरे भगवान छोड़ दो उसे। अरे पुलिस वाले को क्यों मार रहा भाई? अरे छोड़ दो उसे। सर फॉरेंसिक वाले देखकर गए क्या? जी सर। पुलिस के होते हुए ऐसे हादसे होंगे तो आम इंसान कैसे जिएगा सर? हम पूरी तरह से छानबीन कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं। चेक पोस्ट पे कुल कितने लोग थे? 2 लोग थे सर। और उसने 2 लोगों में सिर्फ एक को मारा सर, और वो भी माथे में किल ठोक कर। करेक्ट सर। सुबह सर घटना के समय उस चेक पोस्ट से जितनी भी गाड़ियां गुजरी उनकी लिस्ट चाहिए। ओके सर। सर क्या रिपोर्ट है? टेनी इलाके में जांच कर रहा हूं सर। बैंक में जो कत्ल हुआ और ये कत्ल, दोनों एक ही जैसा है सर। ओके सर, ओके। तुम लोग अलर्ट रहो, कोई भी क्लू मिले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर। ठीक है सर। यही जगह है? हाँ जगह यही है, थोड़ा और आगे चलो। ठीक से पहचान रहे हो ना, यही जगह है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाके देख के आओ बॉस। यहाँ है क्या वो? देख के आओ। ओके बॉस। भागने में ही भलाई है। रास्ता बोल रहा हूँ। सुनो भाई। हाँ जी। ये और मैं हमेशा एक साथ कितनी जगह घूमे हैं क्या बताऊं? हम सब बचपन के ही साथी हैं भाई। क्यों बेटा, अपनी शादी का खाना कब खिलाओगी? लगता है पूरे गांव में एसी लग गई है। अरे देखो शर्मा रही है। नहीं शर्मा नहीं रही। जो बोलो साले साहब, अब यहीं रहोगे या कुछ दिनों बाद फिर चले जाओगे? नहीं अब तो हमेशा यही रहना। तुम लोग कौन हो ये तो मुझे बताया ही नहीं। हम इनके होटल में काम करते थे। 4 लाख खर्चा हो चुका है भैया, कलेक्शन कम हो रहा है। संभाल लेंगे संभाल लेंगे। भाई साहब नमस्ते। मलाबार ट्रूबल से हम लोग डोनेशन लेने के लिए आए हैं। आप अगर खुद आ जाते तो बहुत अच्छा रहता।
आज के बाद डोनेशन मांगने के लिए यहाँ नहीं आना। क्या बोल रहे छोटे? अरे ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, आपके वहाँ पर डोनेशन खुद ब खुद पहुँच जाएगा। दामाद जी बड़े दिलदार हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, चलते हैं। ये तो बहुत जल्दी बहुत बड़े आदमी बन गए। सही कहा भाई। हेलो। तूने जो टाइम दिया था वो खत्म हो गया है। दो दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। ये तेरे लिए लास्ट चांस है। गाँव अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। ए, जल्दी कर, काम जल्दी निपटाना है यार। गाय धोने का टाइम हो गया है, चल अब चल। ए, हाँ, गाय धोने का मतलब क्या? तुम्हें पता है ना, सारे गांव के लोग किसान हैं, तो यहाँ की प्रथा है कि शादी से पहले कुंवारी लड़कियाँ गाय का दूध निकालती हैं और दिया जलाकर उसे पानी में छोड़ देती हैं, तो उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब चलती हूँ। हाँ, अब उसमें जान आ गई है ना? पहले तो तुम मुझे बहुत मुड़ कर देखा करते थे, पर अब देखने के बजाय मुझसे नजर चुराते हो। अब मैं तुम्हें पसंद नहीं। तुम्हारे पापा को मैं पसंद नहीं हूँ और उन्होंने कुछ कह दिया तो? खुलकर तुमसे एक बात बताऊं, जिस दिन तुम्हें देखा मुझे तुम तभी से पसंद हो। क्या? मेरी किस्मत पे तुम्हारा ही नाम लिखा है। सर, सर। कौन है? सेठ जी ने भेजा है मुझे पल्लाड़ी के लड़कों को चाबी देने के लिए। ये लीजिए चाबी। आज ही सेठ का बाकी पैसा मैंने भिजवा दिया। बताया उन्होंने? देखा ना, मैंने बोला था ना तुझे। हाँ, तूने बोला था। गाड़ी का है वो क्या है कि आप कौन है? बोलिए सेठ जी। तुम लोग जिन्हें ढूंढ रहे हो उनका पता चल गया है, तुम लोग यहाँ आ सकते हो क्या? तीन रास्ते के पास सुकार नाम का गांव है, वहीं पर तुम्हें वो लोग मिल जाएंगे। ये 33,000 की गड्डी है बॉस। 2,30,00,000, उसमें 1,28,67,000 बचा है, तो इसका मतलब 1,01,33,000 रुपए कम है। क्या हुए पैसे? खर्च हो गए। घर और ऐशो आराम पे खर्च करने के पहले एक बार भी नहीं सोचा। कैसे सोचते हैं? पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है पता है? नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मेरे लिए वो जरूरी है, मुझे मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। हमारे पास आएंगे तो वापस कर देंगे। अगर ये बैग किसी और के हाथ लगता तो इतने पैसे भी नहीं मिलते। नहीं चाहता। बताओ बाकी पैसे कहाँ है? कहाँ ना, वो हमने खर्च कर दिए। बॉस, इन लोगों ने सारी सच्चाई बता दी, आपके बचे पैसे मिल गए, अब मैं निकलता हूँ बॉस। रुको। बॉस, बॉस। बकाया रखने की मेरी आदत है। बॉस, मुझे कुछ मत करना बॉस, बिना पैसे लिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा बॉस। बॉस मुझे छोड़ दो बॉस, 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 नहीं बॉस, मुझे छोड़ दो बॉस, 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 नहीं बॉस। उन पैसों से लिए हुए कार की चाबी। ये हमारी ट्रक की चाबी है।
होटल की चाबी, घर की चाबी और कागजात सब कुछ है। और क्या क्या लिया है तुम लोगों ने? मैंने पहले ही कहा था उन पैसों से मेरे लिए कुछ मत लेना। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने उनमें से पैसे निकाले थे। मुझे क्या पता था आज ये दिन देखने को मिलेगा। मेरे साथ चलो, चलो। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, मेरा बचपन तिरुवल्ली में ही गुजरा है। लगता है तिरुवल्लू में तुम्हें कोई परेशानी आई है, कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई साहब, घर के कागजात लेकर के पैसे मुझे लौटा दीजिए। लिया हुआ घर तुरंत बेच रहे हो, कोई परेशानी आ गई है क्या? या पूरा पैसा खर्च हो गया है? हाँ? खर्च हो गया है? जी हाँ। दस लाख के घर को तूने 25 लाख में बेचा है ना? चोर। देता हूँ, देता हूँ। देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। हाँ, ठीक है भाई, चलिए चलता हूँ। चलिए आइए आइए, कैसा चल रहा है आपका काम धाम? नमस्ते जी। होटल के कागजात लेकर हमारा पैसा हमें लौटा दीजिए मालिक। क्या कहा? हाँ। पकड़िए इसे, खाना पकड़िए इसे। मुझे वो होटल नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने बेचा था उसे। वो दरअसल हमें पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई, इसलिए। जरूरत है तो आधी कीमत मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं दे सकता मालिक। हम यहाँ किसी को नहीं जानते मालिक, आप पेपर लेकर पैसा लौटा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा मालिक। हाँ। क्या कहा? क्या? चलो निकलो यहाँ से, कहा ना निकलो यहाँ से बाहर। ए, तू साथ में गुंडा लेकर आया है क्या? है? नहीं मालिक, ये खुद हमें यहाँ मारते हुए लाए। लगता है इसे बताना पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूँ। तूने मुझे मारा ना, मैं इसका जवाब तुझे दूंगा। कौन है? नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत करना। मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर मर। यह हादसा होते हुए किसी ने देखा है क्या? चुप रहने से नहीं चलेगा। बाकी के 76,33,000 रुपए कैसे चुकाओगे? बोलो बोलो, कैसे दोगे? सब कुछ बेच बाज कर दे देंगे। हमारे पास जो कुछ भी था वो तुम्हारे हवाले कर दिया है। अभी अगर नहीं है तो हम क्या चोरी करें? जा उस होटल में चोरी करके। क्या कहा? चोरी करना हमारे खून में नहीं है। फिर मेरा पैसा क्यों लिया मालिक? उसमें से कुछ रुपए मेरे इलाज में लगे हैं मालिक। तुम्हें कमा के रखना चाहिए था। आप सच कह रहे हैं, लेकिन अनजाने में हमसे गलती हो गई। मेरा लेता है, मैं मौत देता हूँ। कुछ मत करना प्लीज। तो फिर तू मर। नहीं मालिक, मेरे बेटे को सच मत कीजिए। इसे कुछ मत करना।
मैं जा रहा हूं। रुक। अरे बाप रे। इसमें बुलेट नहीं है। जा। जल्दी कर बेटा, पर मुझे आइसक्रीम खानी है, डैडी खिलाओ ना। ए! उसमें कितना है गिन के मुझे बता। ग्यारह हजार 330 रुपए। अब समझा मैंने कितनी मेहनत की। 2,30,00,000। कितना रिस्क उठाया मैंने। यस सर, हम गुनेगारों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं सर। वो लोग जल्दी हमारे गिरफ्त में होंगे। देखिए पहले हमें गुनेगारों को पकड़ने दीजिए, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग वेट कीजिए। यस सर। हाँ सर। चेकपोस्ट में मर्डर करने के बाद वो अपनी स्कॉर्पियो को वहीं छोड़कर किसी ट्रक में बैठकर चला गया है सर। सर वहाँ से खबर मिली है कि वो सफेद गाड़ी में 4 लोगों को लेकर के निकला है। हमने सारे कैमरेज को चेक कर लिया है सर, वो शहर से बाहर की तरफ जा रहा है। चेन्नई, तेनी और मुनार। सो वो यहीं पर होगा, जरूर वो यहीं कहीं होगा। अब चिल्लर लूटने से बात नहीं बनेगी, इस बैंक को लूटना पड़ेगा। नहीं होगा, तुम भले में जान से मार दो, हम ये सब नहीं करेंगे। तुम्हें रॉबरी करनी तुम खुद करो, चलो उतरो। ए तुम भी उतरो, चलो। नहीं छोड़ दो उसे। अरे अंकल सर, सर कुछ नहीं होगा, सर कुछ नहीं होगा, हम लोग रह जाएंगे, वो बच जाएगी। देखो देखो वो आ रहा है, मेरी बेटी, मेरी मेरी बेटी। पम्मी कहाँ है? तुम ठीक हो? मेरी बेटी कहाँ है? पम्मी पम्मी कहाँ गई? अरे कहाँ है वो? मेरी बेटी कहाँ ले गए उसे? पम्मी कहाँ है? सुबह होने से पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए।
नहीं तो लड़की तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। उसकी इतनी बड़ी सजा हमें मत दो मालिक, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। बताता हूँ मालिक, हमें माफ कर दो मालिक। मालिक तरह से आज उसे पकड़ना है, जरूरत पड़े तो उसका एनकाउंटर भी। सर, इस वक्त वो कहां है पता चल गया? कहां है? सिक्योरिटी को मारकर केरला बैंक ऑफ इंडिया में डाका डाल रहा है सर, हमें ऐसी खबर मिली है सर। तुम लोग उस तरफ जाओ और तुम लोग उस तरफ जल्दी करो। कोई भी बाहर मत निकलना। अरे बाप रे, अब क्या होगा? छोटे छोटे पुलिस यहाँ आ चुकी है, बाहर चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया है। पुलिस वाले आ गए, अब क्या होगा? बाप रे, पुलिस वाले आ गए। पब्लिक को अलर्ट कर दिए हो ना? सर, यहाँ के हर एक घर वालों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, सो नोबडी विल कम आउट। एनकाउंटर में कोई रुकावट नहीं आएगी सर।
तुम्हारी वजह से हम भी पुलिस वालों के जाने से छोड़ गए। बहुत चेत को जाओ, कोई भी अपनी आवाज नहीं निकालेगा। बैंक को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। भगवान, मेरी बच्ची, उसका क्या होगा? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप बाहर निकल आओ। तेरी वजह से हमें समझ में नहीं आएगी। मेरे 10 गिनने से पहले तुम सरेंडर कर दो। कोई भी आवाज नहीं निकालेगा। अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं पूरी बिल्डिंग में आग लगा दूंगा। वन, सो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ। टू, थ्री। छोड़ मुझे, चल चल। ए, छोड़ मुझे। ए, चल। मनीष शर्मा, अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। नहीं, सब अपने घर नीचे रख दो। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। इसे मार दूंगा। गन नीचे करो। कुछ नहीं हुआ बेटा, सो जा। सबसे कहो गन नीचे रखे। सबसे कहो कि गन नीचे कर दे, वरना वो गोली मार देगा। साहब, वो गुनहगार नहीं है साहब, उसे बचा लो साहब। रखते हो या नहीं? चल। चल, बैठ बैठ। शूट! ए, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। गाड़ी रोक। मम्मी कहाँ? बोल सर, गोली मत चलाओ। पल्लवी, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे। जल्दी बोल। तू सो जा ना बेटा, सो जा। मम्मी कहाँ है मेरी? छोड़ मुझे, छोड़। बता कमीने, छोड़। कहाँ है? बता पम्मी कहाँ है? मेरी बच्ची, छोड़ो मेरी पम्मी का।
कहाँ छुपा के रखा है? चलिए यहाँ से मम्मी, मेरी बात मत, चुप हो जा। मम्मी को कहाँ छुपा के रखा है? सब ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी को छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। रो मम्मी को मेरे सामने ले आ। रो मत, पहले नहीं, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद की फिक्र मत, खुद मैं उसका खुद आंखें खोलो पम्मी, पम्मी क्या संभव गया, तू संभव पम्मी, मेरी पम्मी। मैंने पहले ही कहा था उन पैसों से मेरे लिए कुछ मत लेना। चली गई मेरी बेटी, घर चली गई मेरी पम्मी। क्या हो गया सवाल यार? ये किसी और के पैसे हैं, हमें नहीं चाहिए पापा। जा के से। काश मैं तेरी बात मान लेता। बेटी तूने सही कहा था, बुरे काम का बुरा नहीं।